नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स अ सेक्रीफाइस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी गोल आप अचीव करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना बनता है, अगर नहीं कर पा रहे ना, तो फिर जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हो तो वही सेक्रीफाइस हो जाएगा, मतलब वही खत्म हो जाएगा, उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो क्या क्या सेक्रीफाइस करना होता है अगर कोई गोल अचीव करना है? तो सबसे पहली बात होती है आलस होता है, ओके, दरिद्र होता है, ओके, और जो मेहनत है ना, तो उसको करते रहना है, तो ये सब बातें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर प्लानिंग बनाकर चलना है, प्लानिंग करके क्या वो क्या काम जो है पहले करना, क्या बाद में करना है, ओके, प्रायोरिटी बनानी है, तो उसी हिसाब से ना आपको आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना है, ओके। तो यही आपका त्याग है, ओके। मतलब कि कई बार होता है कि नींद भी पूरी नहीं होती, तो वो भी कई बार छोड़ नहीं पड़ती पड़ती है जब पीक पे, मतलब आपका एग्जाम आपके पास आ जाए, जब प्रेपरेशन पीक पे हो, ओके। तो इस तरीके से आगे बढ़ो, तो सेक्रीफाइस करो जो चीजें करने के योग्य है, ओके। अपनी नींद सेक्रीफाइस करो, अपना आलस छोड़ो और आगे बढ़ो, नहीं तो जो गोल अचीव करना चाह रहे हो तो वो खुद ना खुद ही सेक्रीफाइस हो जाएगा, उसको आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो आज सोमवार है, तो ये है आज का इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि 1 मई से अभी 18 साल से उम्र के ज्यादा जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, तो उनको भी अभी वैक्सीनेट जो है उनको भी परमिशन दे दी गई कि वो भी वैक्सीनेट करवा सकते हैं, ओके। तो अपने हिसाब से अपनी चॉइस की वैक्सीन आप जो है अभी पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये न्यूज आई है, ओके। तो अभी एक तो कोवैक्सीन जो है वो लग रही है, दूसरी कोविशील्ड लग रही है, दो तरह की वैक्सीन प्रोमिनेंट है, तो एक डॉक्टर रेड्डी लैब, तीसरा उनको जो है परमिशन मिली है कि वो भी अपनी वैक्सीन सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से आगे यहाँ पर दूसरी बात करने हैं प्रोडक्शन की। देखो प्रोडक्शन मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्शन अलग अलग जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी होती है, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, तो अभी उनमें थोड़ा सा ना प्रोडक्शन में यहाँ पर हिट हुआ है, जिसके चलते अभी जो सप्लाई है तो उसमें भी अभी नुकसान होगा, सप्लाई भी कमजोर होगी। तो प्रोडक्शन हिट होने का कारण यहाँ पर यह है कि जो फैक्ट्रीज है ना, तो वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर उनको कोरोना वायरस हो गया, जिसके चलते अभी जो फैक्ट्री मालिक है वो मजबूर हो गए कि अभी जहाँ फैक्ट्रीज बंद कर दो, ओके, तो या फिर मतलब किसी ना किसी तरीके से जो वर्किंग आवर्स है उनको कम कर दो, ताकि जो कि पैंडेमिक से बचा जा सके, और जो जो फैक्ट्री के वर्कर्स है ना, तो उनको यहाँ पर कोविड जो है वायरस वो ना हो जाए। तो इसके चलते कुछ अलग अलग सेक्टर्स में सप्लाई जो है ना उसमें हिट हो सकता है, और कोरोना वायरस जो है ना लगातार फैलता जा रहा है, तो अभी उसी के रिगार्डिंग मेजर्स भी अपनाए जा रहे हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा, सरकारों द्वारा। तो अभी आगे यही बात कर रहे हैं कि और लोकल रेस्ट्रिक्शंस अभी लगा दी जाएगी, ओके। तो यहाँ पर सेंटर जो है ना अभी फ्रेश ऑर्डर जो है इशू कर सकता है। तो लोकल रेस्ट्रिक्शंस कहने का मतलब जैसे कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं ना, कि मतलब कम से कम छोटे से छोटा जोन, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को जैसे जैसे जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देखें और वहां पर देखें कहाँ पर सबसे ज्यादा जो है केसेस पाए जा रहे हैं, तो उसको एक जोन में कन्वर्ट करके, तो वहां पर कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। तो इस तरीके से तब तक मतलब सिचुएशन नॉर्मल जब तक नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर जो है वॉच रखी जाएगी, तो इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके बाद अभी बात करते हैं एडिटोरियल पेज की। तो अभी इसके अलावा देखना पूरे न्यूज़पेपर में जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी ना, तो उसको उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा, ओके। तो डेली आपको अलग से लेक्चर मिलते हैं, तो बिल्कुल अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा जो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो ये मत देखना कि मतलब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने छूट दिया। तो अभी यहाँ पर एडिटोरियल पेज है, तो कुल मिलाकर 5 एडिटोरियल्स आ जाए हैं यहाँ पर। तो ये वाले एडिटोरियल्स में बात कर रहे हैं अभी ना, अभी जो वैक्सीन निर्माता है तो उन्होंने अभी प्राइस की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो 50% वैक्सीन जो है भारत सरकार के पास आएगी, 50% जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें। तो अभी खुद से ना प्राइस अभी जो बता रहे हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो क्या क्या प्राइस है अभी उसी के बारे में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। तो क्या क्या ये सही है जितने जितने प्राइस लगा रहे हैं, ये भी यहाँ पर चर्चा की गई है। इसके अलावा अभी जो बाइडेन ने ना हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है कि जो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर वो काम करेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मतलब कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज भी होती है। वो कहते थे कि क्लाइमेट चेंज मतलब ऐसे ये नेचर का नियम है, ये तो मतलब होता ही रहता है, अगर ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं या फिर जो है हवा खराब हो रही है, हवा दूषित हो रही है। तो यहाँ पर अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना जो बाइडन अपना इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं कि यूएस में वो यहाँ पर कम करेंगे जो है
जितने भी एनवायरमेंटल एम्बिशंस उनके ऊपर फोकस करेंगे, तो इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। और इसके बाद हम तीसरे नंबर पर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ये वाला है कि अभी जो शॉर्टेज जो देखने को मिल रही है ऑक्सीजन की, तो क्या यहाँ पर सच्चाई है इसकी, उसके बारे में। फिर है यहाँ पर म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ती जा रही है, तो अभी इसके रिगार्डिंग फुल चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ये वाला जो एडिटोरियल था इसको मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव को कैसे बढ़ाए, मतलब वैक्सीनेशन हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो उसी के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो केसेस निकल कर आ रहे हैं ना डेली बेसिस पे, तो वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो 3 लाख तक मैक्सिमम पॉइंट पहुंच चुका है कि 3 लाख केसेस एक दिन में निकल कर आए हैं पूरे भारत में। ओके, तो अभी इसी के चलते हमें वैक्सीनेशन जो ना उसको भी पुल अप करना होगा। जैसे अभी जो है अगर 2 मिलियन डोजेस दी जा रही है एक दिन में, तो कम से कम 5 मिलियन डोजेस तक हमें पहुंचाना होगा। इतनी बड़ी सप्लाई हमें करनी होगी वैक्सीनेट, जितनी जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे उतनी जल्दी हम जो ना इस वायरस से हम बच जाएंगे। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। ओके, तो अभी डिटेल में यहाँ पर जो नॉर्मल बातें की गई हैं तो यही है। ओके, तो मतलब कि जैसे वायरस का घेरा बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से हमें भी जो सप्लाई है ना वो बढ़ानी होगी। इसके चलते जो गवर्नमेंट के ऊपर जो भी ड्यूटीज जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको सही तरीके से उनको निभाना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बात की गई है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव में जो दिक्कतें आ रही, जैसे अभी यूएस से बहुत बार रिक्वेस्ट की थी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ है अदार पूना वाला। ओके, तो भारत सरकार ने भी जो है रिक्वेस्ट की यूएस से कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वैक्सीन बनाने के लिए ना, उनकी सप्लाई को आप बहाल करें। तो जो यूएस है उसने ना रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, तो मतलब कोई भी किसी चीज का वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ना तो वैक्सीन का एक्सपोर्ट करेगा और ना ही वैक्सीन बनाने में जो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स लगता है उनका एक्सपोर्ट करेगा। तो जिसके चलते अभी भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की थी कि आप दीजिए, क्योंकि उसके चलते यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर सप्लाई शॉर्टेज होती जा रही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट हो गए हैं यूरोपियन कंट्रीज के। तो यूरोपियन कंट्रीज से अभी हाल ही में जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं तो वहां से आ रहे हैं, तो उन्हीं के जो चलते हैं हम यहाँ पर जो वैक्सीन है उनको बना पा रहे हैं, तो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पूरे भारत वर्ष में। और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हालांकि अभी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी, एक्सपोर्ट अभी रोका हुआ है भारत सरकार ने, पहले इंडिया के ऊपर अभी फोकस करना है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो जब रिक्वेस्ट की थी तो आंसर क्या आया, तो यूएस गवर्नमेंट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम जो है ना कोई भी किसी तरीके का जो वैक्सीन का जो जो रॉ मटेरियल आपको नहीं देंगे। ओके, तो ये भी एक अड़चन है बहुत बड़ी, तो जिसका मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन हमें चाहिए, नहीं तो यहाँ पर सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे। ओके, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जो अगर दूसरी वेव की हम बात करें, सेकेंड वेव, तो पहली वेव से बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो जो केसेस निकल कर आ रहे हैं तो वो दुगनी तेजी से यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जो फर्स्ट वेव है उसके मुकाबले में। और ये वाली जो डिजीज है ना, तो ये एयरबॉर्न है। तो कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, तो मतलब जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो हवा में सबसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो बिल्कुल उन्हीं की तरह ये हवा में रहती है काफी देर तक। और कब तक रहे इसका कुछ प्रॉपर यहाँ पर अंदाजा नहीं कि 1 हफ्ते तक रही या 4-5 दिन तक। तो हवा में रहती है तो फिर जो भी वहां सांस लेगा तो उसको वो बीमारी वो मतलब जकड़ लेती है, और मतलब जब बीमारी हो जाती है तो फिर बाद में जो है ना लंग्स के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ये सेकेंड वेव के चलते। और इसी के चलते ना आप जो देखोगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो जो डिमांड है काफी बढ़ती जा रही है, इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है जो सेकेंड वेव है उसके चलते। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इस आर्टिकल का। तो अभी फर्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपको जो है डेली बेसिस पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आते हैं उन सबका पीडीएफ अवेलेबल होता है इस टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए एडिटोरियल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर सेंस ऑन हाउ वैक्सीन आर प्राइस, प्रॉफिट इज नॉट ए डर्टी वर्क सो एनेबल्स री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो ऑथर की टोन है वो बिल्कुल सिंपल बात कह रहे हैं कि अगर कोई वैक्सीन की अगर प्राइस रखता है कोई कंपनी ना, तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट भी अगर कमा रहा है तो कोई वो गलत शब्द नहीं है। ओके, तो प्रॉफिट भी प्राइवेट कंपनीज का प्रॉफिट कमाना उनका हक बनता है, कि उनको उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बड़े पैमाने पर। तो अगर प्रॉफिट उनके पास जाता है तभी वो दोबारा से ना उसी पैसे से री इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और कैपेसिटी और बढ़ा पाएंगे, सप्लाई और बढ़ा पाएंगे वैक्सीन की। तो शुरुआत में अभी यही बात करेंगे कि अवॉइडेबल कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है, मतलब कि जिसको अवॉइड किया जा सकता था, कि बिना मतलब के यहाँ पर जो ना विवाद खड़ा कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना, तो इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर
प्राइस बहुत ज्यादा बना दिए गए हैं यहाँ पर जो वैक्सीन ये डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अभी जो इन्होंने हाल ही में जो सूची जारी की है ना, तो उसमें इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 400 रुपए पर डोज ये लगाएंगे वैक्सीन का, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएंगी, और 600 रुपए पर डोज यहाँ पर ये चार्जेस लेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो वैक्सीन ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये अस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, वर्जन है वैक्सीन का। कहने का मतलब है ये जो अस्ट्राजेनेका है ना, ये फॉर्मूला बनाया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, तो उसी से जो है इन्होंने टाई अप करके ना, उसी फॉर्मूले को यूज करके जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो वैक्सीन बना रहा है, जिसका नाम है कोविशील्ड। ओके, भारत में जो जिस नाम से बिक रही है ये वैक्सीन, वो है कोविशील्ड। ओके, तो अभी इन्होंने प्राइस अनाउंसमेंट की है। ओके, तो अभी ऑथर इसको कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेतुका है, अनफेयर है कि जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है जो भी इन्होंने प्राइसेस जारी किए हैं उसके हिसाब से। ओके, तो उनका हक था जो उन्होंने किया। ओके, तो सीरम इंस्टीट्यूट अभी उसको पहले फोर्स किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आपने जितनी भी वैक्सीन हमें बेचनी है ना, अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 150 रुपए पर डोज ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी इसीलिए हो रही है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 150 रुपए पर डोज के हिसाब से खरीदा, और अभी जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है तो ये अभी इतना प्राइस यहाँ पर लगा रहा है, तो यहाँ पर 400 रुपए पर डोज स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और 600 रुपए पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, तो अभी इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए पर डोज क्यों दे रहे थे? ओके, तो यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्रेशराइज किया गया था ना, फोर्स किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कि आप 150 रुपए पर डोज के हिसाब से ही हमें भेजिए, तो उससे यहाँ पर ना नुकसान ही हुआ था उनका। ओके, तो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास कोई यहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं आया। ओके, तो मतलब जब प्रॉफिट ही नहीं आया तो फिर पैसा ही नहीं जब आएगा तो नई कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे? ओके, नए सिरे से अगर नया प्लांट ही सेटअप करना तो कैसे करेंगे? ओके, नई सप्लाई बढ़ानी तो कैसे कर लेंगे? ओके, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर अभी जरूरत है बिलियंस ऑफ डोजेस की पूरे वर्ल्ड में। ओके, अगर हमने सही तरीके से पैंडेमिक को खत्म करना है तो। ओके, तो ये सिचुएशन है। तो ये देखो, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो भारत बायोटेक जो कि अभी ये निर्माण कर रहे हैं वैक्सीन का, ये तब से कह रहे हैं कि मतलब कि जो प्राइस आपने लगाया लगाया ना, जो आप यहाँ पर डोज ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे थे, तो इससे तो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। ओके, तो ये तो जब तब की बात मैं कर रहा हूँ जब 1 महीने पहले जब ये सप्लाई भेज रहे थे, जब से ये वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब से ये बोल रहे थे कि हमारा तो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। तो जब खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा तो एडिशनल ये कैपेसिटी कैसे बढ़ा लेंगे अपनी, कैसे नया प्लांट सेटअप कर लेंगे? ओके, तो यहाँ पर आगे ऑथर बात कर रहे हैं कि एक अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 25% आउटपुट जो जो भी डोमेस्टिक सेल्स की होती है, तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती है और 25% अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, तो एवरेज जो रियलाइज प्राइस जो यहाँ पर हो सकता है डोमेस्टिक सेल्स के लिए, वो 325 पर डोज हो सकता है। ओके, तो अगर प्राइवेट सेल जो है ना सिर्फ 10% तक की यहाँ पर आउटपुट निकल कर आती, तो जो रियलाइज प्राइस है वो 245 पर डोज के हिसाब से हो सकता है। ओके, मतलब कि अगर प्राइवेट में कम जाता है तो ज्यादातर अगर सरकारी में ही जाता तो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो ना थोड़ा कम कर दिया प्राइस। तो ये मतलब अजम्पशन है ऑथर की। ओके, तो यहाँ पर बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और स्टेट गवर्नमेंट्स की, तो वो ज्यादा जो प्राइसेस है ना वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट थी ना, तो वो अल्ट्रा लो प्राइस पे थी। मतलब कि अल्ट्रा लो कहने का मतलब कि वो प्रॉफिट पे नहीं जा रहे थे। ओके, जो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन वाले थे जो ये वैक्सीन बना रहे थे। ओके, तो जिसके चलते अभी उनको लग रहा है प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि बहुत ज्यादा दाम हमें यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि वैक्सीन यहाँ पर कोई ना एक जैसी चीज नहीं है, मतलब कि मतलब सप्लाई जब कम ज्यादा होती तब उसका यहाँ पर प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है जिसके चलते यहाँ पर वैक्सीन का प्राइस जो ना वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले तो जो अश्योर्ड वॉल्यूम्स होने चाहिए कि कितने बड़े पैमाने पर आपका इन्वेंट्री तैयार है। इन्वेंट्री कहने का मतलब है स्टॉक तैयार है आपका। ओके, इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक तैयार हो चुका है कि मतलब जो है डेली बेसिस के हिसाब से आप 4 या 5 मिलियन लोगों को आप वैक्सीनेट कर पाओ। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो प्राइस डिटरमाइन होगा। इसके अलावा जो कंपटीशन होगा, अगर और भी कंपनीज उतरती हैं, तो अभी तो सिर्फ 2 ही कंपनीज ना जो निर्माण कर रही है वैक्सीन का, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और दूसरी भारत बायोटेक है, दोनों की दोनों प्राइवेट कंपनीज है। ओके, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई है, तो मैंने अभी बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है, लेकिन जो भारत बायोटेक है ना जिसने की कोवैक्सीन बनाई है, तो वो उसकी खुद की अपनी रिसर्च है। ओके, तो भारत बायोटेक के खुद के अपने 160 से ऊपर पेटेंट्स हैं। ओके, अपनी रिसर्च है और जिसके चलते उन्होंने वैक्सीन अपनी बनाई है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो उसका भी अलग से प्राइस है। तो अभी आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो दो तरह की ही वैक्सीन आपको लगेगी, या तो कोवैक्सीन लगेगी या फिर कोविशील्ड लगेगी, और तीसरा एक यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी करके लैब है, तो उनको भी अभी हाल ही में अप्रूवल दी है, तो अभी उसकी सप्लाई पहुंची नहीं है। ओके, तो अभी पहली बात तो अश्योर्ड वॉल्यूम्स होने चाहिए। फिर बात करें अपफ्रंट पेमेंट। अपफ्रंट पेमेंट कहने का मतलब है कि
सरकार पहले से पेमेंट सरकार ने की हो कि आपने रिसर्च आप रिसर्च कर रहे हो वैक्सीन के ऊपर, तो ये लो पैसे तो आप रखो, और मतलब जब बन जाएगी वैक्सीन तो हमें यहाँ पर मतलब इतना दाम कम से कम हो, मतलब ज्यादा दाम नहीं लगना चाहिए। तो अपफ्रंट पेमेंट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि जब वो बना रहे थे वैक्सीन तब आपने सप्लाई भेजी पैसे की, ओके मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है, ओके तो ये भी डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा है, तो इसके अलावा जो कंपनी क्या डिस्काउंट दे रही है, क्या छूट दे रही है, या फिर क्या रिबेट, रिबेट का मतलब है यहाँ पर कम पैसे, मतलब कितना कम दाम लगाकर यहाँ पर भेज रही है, ओके तो ये सब चीजें डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ना अब यूएस की, ब्रिटेन की, यूरोपियन यूनियन की, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर अपफ्रंट पेमेंट की थी, ओके तो यहाँ पर परचेज कमिटमेंट भी की थी कि अगर आप वैक्सीन बना लोगे ना तो बड़े पैमाने पर हम आपसे परचेज भी करेंगे, तो पहले से ये बात बोली थी उनको जो वैक्सीन निर्माता कंपनीज है इन अलग अलग देशों में, ओके तो यूएस में भी जैसे नोवावैक है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, तो ये इनकी कंपनीज है जो कि वैक्सीन निर्माण कर रही है, ओके और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाई जा रही है ब्रिटेन में। तो अभी यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर उन्होंने पहले अपफ्रंट पेमेंट की, जिसके चलते उन्होंने कम से कम दाम में उनको यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल हुई, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की अपफ्रंट पेमेंट नहीं की, ओके तो जो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है ना, तो वो उनकी अपनी उन्होंने पैसा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया है, और यहाँ पर एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन था उसका यहाँ पर फॉर्मूला लेकर जो एग्रीमेंट करके, और फिर जो था यहाँ पर तीसरा जो ट्रायल, तीसरे फेज का जो ट्रायल यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा था भारत में, उससे पहले पहले उन्होंने यहाँ पर वैक्सीन को बनाना शुरू कर दिया था। तो ये उनका अपना एक बड़ा रिस्क था, ओके तो अपने रिस्क पे उन्होंने इतना पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, तो तब जाकर वो बना पाए वैक्सीन। तो भारत सरकार का यहाँ पर कोई भी योगदान नहीं है, ओके तो यहाँ पर पूरे देश को, यहाँ पर जहां जहां भी पूरी दुनिया में इनकी वैक्सीन गई ना, तो उनको सल्यूट करना चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों को, ओके तो उनका हक बनता है कि जिस हिसाब से प्राइस वो डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो करें, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट तो अगर गवर्नमेंट तो तब बोलती ना जब उन्होंने पहले से यहाँ पर कोई काम किया होता, सपोर्ट की होती रिसर्च के ऊपर, और यहाँ पर जो पहले कोई कमिटमेंट की होती कि हम आपकी वैक्सीन खरीदेंगे खरीदेंगे, ओके तो ये मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी वो वैक्सीन बना रहे थे, ओके तो ये ऐसी सिचुएशन थी जब वो वैक्सीन बना रहे थे, ओके तो यहाँ पर वैक्सीन शॉर्टेज की अभी बात कर रहे हैं कि अभी पूरा नेशन फेस कर रहा है वैक्सीन शॉर्टेज, तो गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, यहाँ पर फंडिंग करनी चाहिए एडिशनल वैक्सीन वैक्सीन कैपेसिटी के लिए, इन यहाँ पर जो अलग अलग कंपनीज है तो उनको पैसा दें कि आप एडिशनल जो है ना कैपेसिटी बढ़ाए, या किसी दूसरे के प्लांट जो किसी कोई दूसरी कंपनी हो तो उसके साथ टाई अप कर ले कि आप अपना प्लांट हमें दें, हम यहाँ पर वैक्सीन को यहाँ पर वैक्सीन निर्माण करना चाह रहे ताकि सप्लाई बढ़े। तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंडिंग करनी पड़ेगी। और आखिर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर भारत बायोटेक की बात करें ना, तो ये कोवैक्सीन बना रहे, तो इनकी वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है, तो अगर ये इनके जो प्राइस आएंगे ना तो ये इनसे भी ज्यादा होंगे, ओके क्योंकि इनकी खुद की रिसर्च है, इनका तो ज्यादा पैसा लगा है यहाँ पर, ओके तो जब ज्यादा पैसा लगा है तो इनका मतलब प्राइस भी ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो अभी उसको कह रहे हैं कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद ले भारत बायोटेक से। तो ये आईपीआर क्या होता है, इसको हम पेटेंट बोलते हैं कि किसकी अपनी रिसर्च है, अपना पेटेंट है, तो उसको फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता, ओके तो अगर भारत भारत सरकार अगर पैसे देकर इनका पेटेंट खरीद लेती है ना, तो फिर वो उसी पेटेंट को भारत में जितने भी और यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स रहे हैं, ओके मतलब जिनके पास पर्याप्त कैपेसिटी है, प्लांट्स वगैरह लगे हुए, लेकिन उनके पास सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ना ही उनकी खुद की रिसर्च है, जिसके चलते वो वैक्सीन नहीं बना पा रहे, तो उनको वो फॉर्मूला जो लाइसेंस खरीद के उनको लाइसेंस दे दे कि आप भी बनाएं, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, वैक्सीन निर्माण में यहाँ पर ना प्रगति आ जाएगी। अगर एक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरी और भारत बायोटेक, और यहाँ पर और भी 5-6 कंपनीज और भी इनका निर्माण करना शुरू कर देंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ये फायदा रहेगा। तो मतलब मेन फंडा तो यही है ना, वैक्सीनेट करना है, वो बीमारी से बचाना, तो बीमारी से तभी बचाएंगे जब वैक्सीन की सप्लाई अवेलेबल होगी, तो इस तरीके से सप्लाई अवेलेबल करवा सकते हो, ये यहाँ पर ऑथर का सजेशन है। ओके तो यहाँ पर आखिर में यही बात कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट होते हैं ना, तो वो मतलब वो एक तरह से री इन्वेस्टमेंट का एक जरिया होते हैं, जिसके चलते कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। ओके तो मतलब कोई भी चाहे बिजनेस हो, चाहे वैक्सीन का ही बिजनेस क्यों ना हो, तो प्रॉफिट सब जगह चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होगी तभी वो कंपनी आगे बढ़ पाएगी, और जो है ना अच्छे खासे तरीके से जो है ना सप्लाई बढ़ा पाएगी। तो अभी तो सप्लाई की ही शॉर्टेज आ रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। ओके तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर हम बात करें अमेरिकन अपॉर्चुनिटी वाया क्लाइमेट एक्शन। तो अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप जब तक सत्ता में थे ना, तो तब तक मतलब उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए कि मतलब कि जो ये दर्शाते थे कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ही सोचा जाए, बाकी दुनिया के प्रति जो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो उसके बारे में यहाँ पर कोई दिलचस्पी नहीं रखी गई। तो अभी 20 जनवरी से जो जो बाइडेन है उन्होंने कार्यभार संभाला है अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, तो तब से उन्होंने काफी कुछ बदलाव यहाँ पर किया है, जो जो भी यहाँ पर पॉलिसीज जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप
मतलब अमेरिका को रखकर चले गए, तो अब उनसे बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाए। जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो उसे भी बाहर निकाल दिया था अमेरिका को, तो अभी दोबारा से उसको री एंटर करवाया है क्योंकि अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। तो इस यहाँ पर भी एक टारगेट रखा गया था कि आने वाले सालों में कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है उसको कम करना है। तो तापमान को तभी कम कर पाओगे ना जब आप ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि मतलब जैसे एमिशन ही बहुत कम हो। तो इसके लिए यहाँ पर $100 बिलियन का फंड भी जुटाना था, ओके, जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर इकट्ठी हुई थी तो वो फंड दिया जाना था जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको, ओके। तो लेकिन उसका 10% भी अभी तक नहीं जुटाया गया, तो ये सिचुएशन है। तो अभी देखो अमेरिका की एक अपने अपने ओर से यहाँ पर एक ना दावा किया, कमिटमेंट की है। तो अभी जो बाइडन ने कमिटमेंट ये की है कि वो रिड्यूस करेंगे यूएस की ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओके। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस करेंगे 50 to 52% फ्रॉम इट्स 2005 लेवल्स बाय 2030, मतलब कि 2005 में जितना भी यहाँ पर पोल्यूशन था ना, तो पिछला जो समय गुजर चुका ना, तो तब पोल्यूशन ज्यादा ही था, ओके। तो मतलब उसके लेवल के हिसाब से यहाँ पर जो ना उसका 50 से 52% तक 2030 तक ये खत्म करेंगे। तो यहाँ पर एक टारगेट रखकर ये चलेंगे कि आने वाले समय में 2050 तक जो है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो प्रोड्यूस हो यूएस में, ओके। तो ये इनका टारगेट है 2050 तक का, कि मतलब जीरो एमिशन कर देना है, किसी भी तरीके की जो ग्रीन हाउस गैस है वो जो है वो अमिट जो है नहीं हो पाएगी अमेरिका में। तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो तो सबसे प्रोमिनेंट गैसेस है ना, तो सबसे ज्यादा जो मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मिथेन गैस है, ओके, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, ओके, तो उसके बाद हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी गैसेज है, ओके, मतलब कि जिसके चलते जो है ना टेम्परेचर राइज होता जाता है, तो मतलब एमिशंस भी बढ़ते जाते हैं, ओके। तो अभी आगे बात करेंगे यूएस की जो कमिटमेंट है, तो यहाँ पर जो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स हैं, तो यहाँ पर जो उन्होंने सेट किए गए हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करें यूके की या फिर यूरोपियन यूनियन की, ओके, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से अपने टारगेट किया और ये बढ़ते हैं ना, तो मतलब काफी फायदा जो है आने वाले समय में होने वाला, अगर यूएस भी इसी तरीके से आगे बढ़ता, जैसे कि यूके और EU जैसे ना ये देश आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो आने वाले समय में एक सिग्नल देखने को मिल रहा है कि मतलब बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ग्लोबल इकोनॉमी का हो सकता है, ओके, टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और उसी के चलते जो यहाँ के इसके साथ एसोसिएटेड जॉब्स होंगी ना, तो वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा जो पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है ना, तो उसमें भी बदलाव होता हुआ नजर जो है ना आ सकता है, क्योंकि यूएस कोई भी काम करता है ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। तो अभी देखो भारत जैसा देश ना, भारत मतलब पूरी कमिटमेंट के तौर पर आगे बढ़ रहा है कि हम जो है 2040 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे, तो इनका तो फिर भी 2050 तक का टारगेट है। तो भारत उस समय टारगेट यहाँ पर रख रहा था जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीछे खींच रहे थे अपनी जिम्मेदारी से, कि अमेरिका इन सब मुद्दों के ऊपर काम नहीं करेगा, यहाँ पर जो ना व्यर्थ पैसा नहीं लगाएगा, ओके। तो तब भारत ये ऐसे काम कर रहा था। तो अभी अगर यूएस भी इस तरीके से आगे आता है ना, तो काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है अलग अलग क्षेत्र में, ओके, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी में, यहाँ पर टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र हो, चाहे उसके रिगार्डिंग कोई जॉब्स हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स, तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इंडिया को भी अपना जो है ना प्रोएक्टिव रोल यहाँ पर अदा करना है इस सिचुएशन में, ओके। तो मतलब एक कैपेबल पार्टनर के तौर पर आगे आना है यहाँ पर, कोई हमने मतलब ऐसे नहीं कि मतलब एक साइड पे होकर ना पूरी यहाँ पर सिनेरियो देखना है, तो मतलब पार्टिसिपेट करना है और आगे बढ़ना है, मतलब एज ए पार्टनरशिप के तौर पर हमें आगे बढ़ना है, कोई विक्टिम के तौर पर यहाँ पर हमें ऐसे ही खड़े नहीं होना है, ओके। इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम इन टारगेट्स को अचीव करते हैं, ओके, तो यहाँ पर एक कॉल यहाँ पर निकल कर आएगी फॉर रेडिकल डी कार्बोनाइजेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पर एनर्जी सेक्टर में ही ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन देखने को मिलते हैं, तो वहां पर डी कार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन की जो जो यहाँ पर एमिशन है वो कम होती हुई नजर आएगी, ओके। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट बदलाव जो है ना अर्बन प्लानिंग में नजर आएंगे देखते हुए, मतलब इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट, वहां पर भी बदलाव जहाँ जहाँ पर देखने को नजर आएंगे। तो जैसे भारत देखो, भारत ने अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने हाल ही में जो टेस्ला है, टेस्ला के जो CEO है एलॉन मस्क अमेरिका में, तो उनको कहा है कि जल्दी से जल्दी अपना प्लांट सेटअप करें आप इंडिया में, ओके। तो टेस्ला भारत में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसकी अनाउंसमेंट उसने कर दी थी, ओके, 1-1.5 साल पहले। लेकिन अभी मिनिस्ट्री कह रही, मंत्रालय कह रहा है कि जल्दी से जल्दी सेटअप करें, क्योंकि मतलब आप देखो कि मतलब भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर बात करें कि एमिशंस मतलब बहुत खतरनाक है, अगर इनको नहीं कंट्रोल करते समय रहते तो बीमारियां और फैलेंगी। तो इसी के चलते यहाँ पर भारत सरकार पूरा यहाँ पर जोर लगा रही है कि ऐसे व्हीकल्स प्रोड्यूस किए जाएं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े पैमाने पर, तो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है
और मतलब काफी क्वालिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनके, अमेरिका में काफी डिमांड बढ़ चुकी है। तो अभी भारत में भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है, अगर प्राइस सही रहता है, तो काफी बड़े पैमाने पर ना बम्पर सेल जो है ना वो आपको नजर आएगी होती है, अगर प्राइस सही रहता है तो। ओके, तो यहाँ पर काफी बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आप देखोगे अभी तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक बसेस चला दी गई है। ओके, तो मतलब जैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर जो बसेस चलती है ना, तो अभी उन्हीं को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक बसेस चलाई गई। तो बड़ी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ओके, तो उसमें भी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं रेलवे की बात करूँ, तो रेलवे का भी टारगेट था कि 2019 तक पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, तो काफी हद तक कर पाए हैं। तो अभी पूरा टारगेट नहीं हो पाया, तो अभी धीरे धीरे 2022 तक पूरा मतलब भारत में जितना भी रेलवे नेटवर्क है ना, छोटे से छोटा रिमोट एरिया तक भी, तो वहां पर भी इसको इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। मतलब जो डीजल इंजन यूज करते हैं उनको उनको एक साइड पे रख देना है, उनको नहीं यूज करना है। और इसके अलावा जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा, जो यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल जो यूज किया जाता है। ओके, तो उसमें भी बदलाव लाने की यहाँ पर जरूरत है, जिसके चलते यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है उनको गर्म और ठंडा रखा जा सके, मतलब सर्दियों में गर्म रहे और यहाँ पर जो जब गर्मी हो तो थोड़ी ठंडी रहे। ओके, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे मटेरियल्स को हम यूज करें। ओके, तो मतलब कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, जो ये एसी वगैरह इनके ऊपर, तो वो कम हो, तो इनसे भी एमिशंस निकलती हैं। ओके, जो यहाँ पर गर्मी निकलती है ना, जो यहाँ पर बाहर जो गर्मी जो पंखा लगा होता है बाहर एसी के, तो वो काफी गर्म हवा छोड़ता है, तो उससे भी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो भी एमिशन छोड़ता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। तो यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो हम यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल पर्सनल यहाँ पर मोबिलिटी के तहत यूज करते हैं, कि हमने जहां पर भी जाना, अपनी गाड़ी निकालनी है और या फिर अपनी बाइक निकालनी है, तो अभी उसके चलते इसमें भी यहाँ पर ना स्विच करने की जरूरत है। ओके, तो ये हमारी पर्सनल यहाँ पर सोच है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो बीमारी फैली हुई, तो ज्यादातर लोग यही मतलब प्रेफर करते हैं कि कोई बड़ी कार वगैरह निकाल लूं, आराम से सफर करके जाते हैं। लेकिन उसी गाड़ी से एमिशन भी तो हो रहा है ना, और उसी एमिशन से वायरस को एक मतलब मौका मिल रहा है कि अपने आप को और बड़े पैमाने पर फैला ले, खासतौर पर जो दिल्ली जैसा शहर है। तो दिल्ली में देख लो अभी ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी देखने को मिल रही है। तो दूसरी ओर दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बहुत खराब है। नॉर्मल हवा भी वहां पर जो बहती है, वहां पर यहाँ पर 300 से ऊपर ही होता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो बहुत जो कि बहुत खतरनाक है। मतलब जो नॉर्मल भी इंसान वहां पर नॉर्मल हवा में भी सांस ले रहा है ना, तो जहर अंदर खींच रहा है। तो ऐसी ही जब हवा हो, तो वहां पर जब कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो ना, तो वो ज्यादा जल्दी फैलती है। जितनी गंदगी होगी उतनी बीमारी ज्यादा जल्दी फैलेगी। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसिशन जो है ना, बदलाव जो है मतलब ग्लोबल एनर्जी मैप में यहाँ पर होगा आने वाले समय में। ओके, तो यही बात यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर ये भी बात करें कि जो रिलेशनशिप है हमारे वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, वो भी अल्टर होगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी सोर्सेज है उनके हिसाब से, तो वेस्ट एशियन कंट्रीज ज्यादातर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वो भारत को अपना तेल बेचती है, क्रूड ऑयल बेचती है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने भी अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। तो अभी भारत में देखो प्राइसेस बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के। तो भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की थी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, कि आप अपने जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो बढ़ा दीजिए। तो सऊदी अरेबिया के पास पर्याप्त प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन वो अपनी पूरी फुल कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर रहा। उसने सिर्फ अपनी आधी सप्लाई को यहाँ पर शुरू किया हुआ है, ताकि जो कि जो दाम है ना वो बढ़ जाए इंटरनेशनल मार्केट में, जब सप्लाई कम उनको नजर आएगी। तो भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की, तो ऊपर से जवाब आया कि हम यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाने वाले हैं, आप अपने जो प्लांट है ना, आपके जो इंडिया के अपने रिजर्व है क्रूड ऑयल के, तो उनको यूज कर लो। तो भारत में जो जितने भी क्रूड ऑयल के रिजर्व है ना, तो कुल कुल मिलाकर यहाँ पर 26 बनते हैं। ओके, तो लेकिन उनमें से भी 8 ऑपरेशनल है, उनमें से भी इतना तेल नहीं निकल पाता कि हम पूरे भारत की एनर्जी डिमांड पूरी कर दें। इसीलिए हमें यहाँ पर डिपेंडेंट होना पड़ता है इन वेस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि हमारे आसपास बढ़ती है। तो अगर यहाँ से हम तेल मंगवाते भी ना, हमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी कम पड़ते हैं। तो मंगवाने को तो हम अमेरिका से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन बहुत दूर पड़ेगा, तो फिर बात वही आ जाएगी, महंगा हो जाएगा तेल भारत में आकर। तो ये सब सिचुएशन, तो ये भी रिलेशनशिप हमारी बदल जाएगी आने वाले समय में, जब यहाँ पर एनर्जी इस तरीके से मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर भारत फोकस करके चलता है। तो मतलब सभी ईवी व्हीकल्स होंगे ना, तो एक तरफ एक एक दिन ऐसा आएगा कि सऊदी अरब जैसे देश मतलब मुंह उठाकर देखेंगे कि हमारा तेल भी बिक जाए। तो अभी जब पहले पैंडेमिक में लॉकडाउन लगा था भारत में, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत कम हो गई थी। तो जब लोग ही बाहर नहीं जा रहे थे, कोई व्हीकल ही नहीं चल रहा था, तो यहाँ पर तेल तेल भी भारत सरकार ने इंपोर्ट नहीं किया। तो तब उस समय मतलब बहुत पतली हालत हो गई थी सऊदी अरेबिया की। और ओके, तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एनर्जी चॉइसेस जब बदलेंगी, तो यहाँ पर क्लीन अगर रिन्यूएबल एनर्जी चॉइसेस होंगी, तो यहाँ पर आल्टर होंगे रिश्ते, मतलब उन्होंने बदलाव आएगा वेस्ट एशिया के साथ, और यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज ना पार्टनरशिप्स के लिए वो खुलेंगी। ओके, नया दौर जो है ना वो खुलेगा। और इसी के चलते आगे यहाँ पर बात करें कि जो इंडो पैसिफिक है, तो यहाँ पर यहाँ पर बात की जा रही है प्राइमरी साइट ऑफ द स्ट्रेटेजिक राइवलरी,
कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज विल नेसेसिटेट कोऑपरेशन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना इन ए नंबर ऑफ एरियाज। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है जहां पर इंडिया की प्रोमिनेंट पोजीशन है। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्रोमिनेंट पोजीशन है। तो यहाँ पर भी ना ये राइवलरी साइट है, मतलब कि इन एरियाज को हमें कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के मतलब जिन जिन एरियाज में हमें कॉम्बैट करना था उनके ऊपर हमें जरूरी फोकस करना होगा। ओके, तो यहाँ पर अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो इंडो पैसिफिक में चाइना का भी रीजन आता है। ओके, तो यहाँ पर सबको नंबर ऑफ एरियाज में काम करना होगा, तब जाकर हम जो है ना कॉम्बैट कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ग्लेशियर्स जो अपने आप पिघल रहे हैं तो वो कम पिघलेंगे, अंटार्कटिक में अपने आप जो बड़े ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। ओके, तो मतलब वो भी खतरे का निशान है। अंटार्कटिक में जो भी चीज एक्टिविटी होती है तो वो पूरी पृथ्वी पे हो सकती है। तो इस तरीके से ना जो अलग अलग सरकारें वो अपना निर्णय लेती हैं। इसके अलावा जो ऑयल और गैस डिपेंडेंट रशिया है, ओके, तो उसको भी यहाँ पर फोर्स करना पड़ेगा कि वो अपने आप को इनोवेट करें, कोई और रास्ता निकाले कि मतलब इस इन ऑयल और गैस के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी कम हो। ओके, मतलब इसका और अल्टरनेटिव ढूंढे। इसके अलावा इंडिया जो ना एक प्रोएक्टिव पार्टनर के तौर पर यहाँ पर इन डेवलपिंग एरियाज में काम कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है अलग अलग कंट्रीज को। तो यहाँ पर इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड एनर्जी क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की यहाँ पर बात करें जो कि अभी अनाउंस किया गया है बाय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अभी हाल ही में अर्थ डे लीडर समिट हुई है, ओके, ऑन क्लाइमेट। ओके, तो अभी क्लाइमेट के ऊपर अर्थ डे लीडर समिट हुई, तो वहां पर हाल ही में ये अनाउंसमेंट की गई है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल देने की मतलब ऐसे इमर्जिंग पार्टनरशिप्स हम कर सकते हैं, जैसे यूएस के साथ हम कर रहे हैं, तो इसके अलावा और भी देशों के साथ कर सकते हैं। तो कोई भी जो सेगमेंट है ना इकोनॉमी का, ट्रेड का, तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी की बात नहीं कर रहे, तो सबको यहाँ पर अल्टर करना होगा आने वाले समय में, तभी जो जाके ना हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो सही जो स्वरूप बना वो तैयार कर पाएंगे। तो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो अभी हमें करना होगा, जो यहाँ पर प्रेजेंट जो डिफिकल्ट चॉइसेस है तो उनको यहाँ पर जो है उनको सही करना होगा। तो इंडिया को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना होगा दिस ट्रांजिशन प्रेजेंट्स एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एट कटिंग एज, मतलब कि ये जो बदलाव आएगा ना तो उसको मतलब एज अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है कि ग्रोथ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। तो अभी भारत सरकार ना 13 अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी दे रही है, तो उसमें भी गिने चुने सेक्टर्स चुने हैं भारत सरकार ने जिनका कि आने वाले समय में वजूद रहेगा। ओके, जैसे हम यहाँ पर सोलर पीवी सेल्स की बात कर रहे हैं, बैटरीज की बात कर रहे हैं। ओके, बैटरीज ईवी व्हीकल्स के लिए जहाँ पर रिक्वायर है, अगर घर पे अगर आप एनर्जी सेटअप चाह रहे हो तो वहां पर सोलर पैनल लगाओ तो वो ज्यादा बढ़िया है। तो इस तरीके से भारत सरकार 13 अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही है, फोकस कर रही है, इंसेंटिव दे रही है वहां पर। तो चलिए अभी बात करते हैं टेरिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पैंडेमिक मैनेजमेंट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ट्रूथ टेलिंग, मतलब कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई गई शॉर्टेज हो रही ना उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बता रहे हैं। तो सच्चाई क्या है, तो अभी शुरुआत कर रहे हैं बंगाल फैमिली। सो 1943 में ना बहुत भयानक भयंकर अकाल पड़ा था, मतलब कि खाने पीने के लाले पड़ गए थे जिसके चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी बंगाल में। तो यहाँ पर 20-22 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, मतलब 2 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग मतलब डेथ हो गई थी उनकी। तो उस समय ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर रूल कर रही थी भारत में, तो अभी उन्होंने बहुत कोशिश की थी उस समय कि ये जो डाटा है ना ये बाहर ना आए, मतलब प्रेस में डाटा लीक ना हो, तो जिसके चलते लोगों को पता ना चले, इंटरनेशनल मीडिया को पता ना चले कि भारत में क्या चल रहा है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर जो प्रेशर भी था कुछ न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मतलब कि एक सेंसरशिप लगाई हुई थी उस समय ब्रिटिश सरकार ने कि अगर आपने कोई भी चीज छापनी है ना तो मतलब वहां पर सेंसरशिप था, मतलब कि ये वर्ड नहीं छापना या फिर ये खबर नहीं छापनी, अगर छापते हो तो फिर उनको मतलब दंड मिलता था। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने उस समय बोला हुआ था कि किसी भी न्यूज़पेपर ने कोई जो ये शब्द है ना फैमीन नाम का कि मतलब अकाल पड़ गया तो ये नहीं यूज करना है। ओके, तो बस उस तरीके उस जमाने में ऐसे सेंसरशिप लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो बाद में यहाँ पर एक स्टेटमेंट्स नाम का यहाँ पर अखबार है, तो यहाँ पर एक इंग्लिश अखबार था जिसने यहाँ पर जिसके जो एडिटर थे उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो मतलब ऐसी फोटोज मतलब ग्राफिक फोटोज जो है ना वो लगाएंगे अपने अखबार में, मतलब खासतौर पर ये दशा दिखाएंगे कि क्या सिचुएशन हो चुकी है फेमाइन के चलते बंगाल में। ओके, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कमजोर जो बच्चे थे मतलब जो मृत पाए गए गलियों में, ओके, तो वहां पर उनकी पिक्चर छापी ओके अखबार में। इसके अलावा यहाँ पर एक फोटोग्राफर है सुनील जना करके, तो उनके भी यहाँ पर फोटोग्राफ्स थे। ओके, तो मतलब लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से दशा हो चुकी है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था, एक जर्नल था जिसमें कि उन्होंने अपने फोटोग्राफ छापे, तो उनका भी एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट देखने को मिला, मतलब कि चिंगारी मच गई जिसके चलते लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि इतनी बुरी हालत है बंगाल में, इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर नहीं पता चलता तो नहीं कैसे नहीं पता चलता अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाता उस समय। तो वहां पर फिर भी सेंसरशिप लगे होने के बावजूद भी
मीडिया ने अपनी जो है ना अपनी मतलब अपना जिम्मेदारी निभाई थी उस समय में। ओके 1943 की बात करें तो बंगाल फामीन के बारे में पता चल पाया कि मतलब भोजन ही नहीं पहुंच पाया लोगों तक, मतलब अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसके चलते रोटी नहीं मिली खाने को, तो मतलब कितने लोगों की मृत्यु होगी। ओके तो ये सबसे बड़ा ये फैमीन था हमारे देश में अब तक का। ओके तो यहाँ पर बंगाल फैमीन जो था वो इंटरनेशनल स्टोरी बन गया। तो यहाँ पर ब्रिटिश राज को यहाँ पर मतलब इनकी मजबूरी बन गई कि कोई ना कोई एक्शन करें। ओके तो मतलब इनकी सब जगह यहाँ पर थूथू होनी शुरू होगी ब्रिटिश राज की। इसके अलावा अमर्त्या सेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने बाद में बात कही कि जो मीडिया का जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट था कि पैंडेमिक के बारे में, बीमारी के बारे में पता चल पाया। ओके सॉरी, ये जो फेमीन है उसके बारे में पता चल पाया। तो अभी जो प्रेजेंस होती है ना एक फ्री प्रेस की, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे जो फेमीन है ना तो उनसे हमें बचा सकती है किसी डेमोक्रेटिक अगर कंट्री की बात करें तो। ये उनकी यहाँ पर स्टेटमेंट थी। ओके मतलब अगर प्रेस की आजादी सही रहती है, उनको इंडिपेंडेंट किया जाता है कि आप अपना काम अच्छे से करो ना, तो बहुत बड़े पैमाने पर सही बात आपके सामने आ सकती है। लेकिन अगर मतलब सेंसर्ड हो मीडिया, मतलब कि पहले से बातें बताई हो कि आपने मीडिया अपने, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लो, जो भारत में जो न्यूज चैनल उनकी बात कर लो, तो वहां पर अगर पहले ही बताया हो कि आपने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, तो वो लोगों का माइंड सेटअप वैसे ही बनता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि ये सेंसर्ड है या फिर खुद खुद की न्यूज दे रहे हैं। ओके तो ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मतलब कि फ्री मीडिया है, तो मतलब अपने हिसाब से यहाँ पर न्यूज दे रहे हैं, तो ज्यादातर यही दिमाग में रहता है, जिसके चलते उसी हिसाब से एक्ट करते हैं लोग। तो ये यहाँ पर सिचुएशन बताई गई। इसके अलावा पैंडेमिक्स की बात कर रहे हैं कि मतलब इतना आसान नहीं होता है कि उससे बचना। तो पिछले साल की बात करें, पिछले साल तो इन्फोडेमिक भी फैला था। ओके तो पैंडेमिक तो फैला ही फैला, इन्फोडेमिक भी फैला। तो ये इन्फोडेमिक में क्या चीज, तो ये नई टर्म है। तो ये नई टर्म में क्या कहा जाता है, मतलब कि ऐसी जानकारी जो बिल्कुल गलत है। ओके बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है जो जो कि आपका नुकसान कर सकती है, तो आपको मतलब मार सकती है। तो पैंडेमिक भी मारेगा तो इन्फोडेमिक भी मारेगा, मतलब गलत जानकारी के होते हुए। तो वो किसके बारे में थी, तो यहाँ पर जैसे सलाह दी जा रही थी पिछले साल की काढ़ा बनाकर पिए। तो काढ़ा जैसे मतलब पानी को गर्म करके उसमें कोई लौंग वगैरह डालकर उसको मतलब पानी को गर्म करते रहते हैं, मतलब जब जब तक अच्छे से मतलब जो कोई भी चीज आपने डाली ना एडिशनल, उसकी मतलब क्वालिटी रच ना जाए, तो उसको काढ़ा बोलते हैं। तो उसको पियो, गौमूत्र को पियो। ओके इसके अलावा यहाँ पर गिलोय की बात कर रहे हैं, तो ये भी मतलब सब्सटेंस है। तो स्टीम इनहेलेशन वो करें, विटामिन डी लें, तो मतलब ये सब चीजें थी जिनकी सजेशन दी गई। ओके इन्फोडेमिक के तौर पर कि आप अगर इनको यूज करते हो मतलब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब तो इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मतलब आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि मतलब इंडियन इम्यूनिटी की बात करें तो मतलब कहीं ना कहीं अगर बात करें कि अगर हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में ये काम करता हो, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है तो इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया किसने। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही है, और यहाँ पर जो रेमडेसिविर या नाम का जो ड्रग है ना जो कि कोविड की बीमारी को थोड़ा कम कर सकता है, तो इसकी भी सप्लाई नहीं आ रही है। ओके हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। ओके तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। ओके तो हाल ही में अभी रशिया ने भी ऑफर किया कि आपको रेमडेसिविर जो ड्रग है ये भी हम आपको दे सकते हैं, और ऑक्सीजन की भी आपको सप्लाई भेज सकते हैं। तो ऑफर किया है, तो ये भारत के ऊपर है, अगर भारत एक्सेप्ट करेगा तभी वो हमें भेजेंगे। तो ये सिचुएशन है अभी। इसके अलावा बात करें कि बहुत सारे वीडियोस निकल कर आ रही है जहां पर पेशेंट्स अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। ओके मतलब कि अभी बैठे हुए हैं कुछ, तो हॉस्पिटल्स के बाहर बैठे हैं कुछ, तो मतलब सड़कों पर बैठे हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए। तो ये सिचुएशन है, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो कलेप्स कर चुका है, बर्बाद मतलब इस तरीके से मतलब खत्म हो चुका है कि मतलब जिस पैमाने पर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए नहीं है। तो यहाँ पर तो एडिशनल पेमेंट्स जो पेशेंट्स हैं उनको भी ऐड करने से मना कर दिए गए कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल्स के द्वारा दिल्ली में। तो ये सिचुएशन बन चुकी है। तो यहाँ पर अभी कोशिश करनी होगी कि मतलब हमें सही तरीके से आगे बढ़ना है। तो कुछ बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको कि जिनके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाए पिछले सालों के तहत, जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए था अच्छे तरीके से, उनके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। तो ये सच्चाई है असल में जो मतलब हमारे सामने है, मतलब ये सिचुएशन है, मतलब कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है अभी, तो मतलब इस तरीके से हम जो है ना अपना हेल्थ सेक्टर चला रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी अभी देखो ना अभी सिनेरियो ऐसे बना है कि जो हॉस्पिटल्स हैं तो वहां पर उसके आसपास के एरियाज में से रोजाना लेवल पर ना ऐसी वीडियोस नजर आ रही है जहां पर मतलब कि उनका जो है अंतिम क्रियाक्रम उनका हो रहा है। और ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली, जिसके चलते 20 लोगों की मृत्यु हो गई या 22 लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब रोज ऐसा आंकड़ा आ रहा है। ओके तो अभी तो इनकी तो डायरेक्टली वीडियोस जो है ना वो हमारे पास पहुंच रही हैं, कोई फनल साइट से पहुंच रही हैं, तो अलग अलग यहाँ पर वीडियो जर्नलिस्ट के द्वारा जो है शूट की गई है। तो यहाँ पर ज्यादातर हम यही कहें कि जो सरकारी आंकड़ा है मृत्यु दर का, तो उसके ऊपर हम अगर बिलीव करें कि वो सही है तो वो सही नहीं है, तो वो डिप्रेस्ड है। ओके तो इसके अलावा भी बहुत सारी मृत्यु हो रही है डेली बेसिस पे, तो
तो मतलब उसका भी कोई ना कोई लिंक इसके साथ मतलब जोड़ा जा रहा है कि एक्चुअल में सिचुएशन बहुत खराब है और सरकारी आंकड़े कुछ और आपको दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करेंगे जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं जो हॉस्पिटल से, या खास तौर पर, तो वो भी किन के द्वारा रिपोर्ट्स तैयार की गई, जो रुकी रिपोर्टर्स है, मतलब कि जो भ्रष्ट है, जो धोखेबाज, जो जो रिपोर्टर्स है, मतलब जो सही जानकारी आपको नहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पर जिंदगी को खतरे में वो डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ना कुतर्क वो दे रहे हैं, जो भी बातें वो कर रहे हैं, जो भी क्वेंट्री वो कर रहे हैं, कि मतलब कह रहे हैं कि संयम बरतें और सही तरीके से अपने आप को मतलब जो प्रोटोकॉल्स उनका पालन करें, या सिचुएशन क्या है अभी अभी के लिए, तो उसके बारे में भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर पैंडेमिक की बात बात करेंगे, सेंसेशनल स्टोरी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिंदगियां, ओके, मतलब कि जिंदगियों के रिगार्डिंग जो ना हम किसी तरीके का कोई भी खिलवाड़ हम नहीं कर सकते। तो जिस जो सही जानकारी है ना वो प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है। तो सही जानकारी अगर लोगों तक पहुंचेगी तो उनको उनके ऊपर वो बिलीव करेंगे, तभी वो आगे से अपना एक्सपीरियंस बना पाएंगे कि हाँ, जो हमने पिछली बार जो जानकारी मिली थी सही थी। अगर यहाँ पर झूठ होता है ना, फिर मतलब लोगों पे विश्वास भी नहीं होता, लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये सब मतलब सरकार का किया धरा है, ऐसे पैंडेमिक वगैरह कुछ नहीं फैल रहा है, ये सिर्फ मतलब झूठ बोल रहे हैं। तो ये मतलब पूरा एक प्रक्रिया होती है। अगर आप मतलब किसी को अगर झूठ बोलना अगर आपको आदत पड़ गई है, तो वो फिर आपको झूठ के नजरिए से ही देखेंगे। जो मतलब खास तौर पर जो भारतीय मीडिया का जो भी हालत हो चुका है, तो अभी इसके बारे में ये बात रखी जा रही है। तो अगर कोई भी सीक्रेसी रहती है ना इस पॉइंट के ऊपर, मतलब जिस तरीके से अभी पैंडेमिक फैल रहा है, तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी भ्रष्टता है। ओके, तो मतलब जैसे फोटोज ऑफ डेड बॉडीज की जब बात कर रहे हो, तो अभी वो तो फिर भी जो सिचुएशन थी वो दर्शा रही थी कि ये सिचुएशन है, फैमीन जब फैला था भारत में। तो अभी के लिए अगर मतलब कोई भी सीक्रेसी रहती है, कोई सही जानकारी बाहर नहीं निकाली जाती, तो मतलब वो एक तरीके से जिंदगियों के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी। ओके, तो मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन था यूएस में, तो उस समय में जब जैसे यूएस में जो जर्नलिज्म था ना, तो वो उनकी दाद देनी पड़ेगी। मतलब वो कैसे जर्नलिज्म अपना दिखाते थे, मतलब बिना किसी डर से ना राष्ट्रपति के सामने क्वेश्चन करते थे कि आपने यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर ये चीज है। तो कई बार तो राष्ट्रपति को गुस्सा आ जाता, लेकिन फिर भी अपनी जर्नलिज्म की ड्यूटी वो अच्छे से निभाते थे। किसी तरीके की कोई सीक्रेसी नहीं रखते थे, जो सही जानकारी थी उसको जनता के सामने उसको रखते थे। ओके, तो मतलब यहाँ पर अगर बात करें, तो मतलब कि वो सिचुएशन नहीं बन पाती है, वो दम नहीं है मीडिया में। ओके, तो यहाँ पर जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग क्या जानकारी, क्या सही यहाँ पर पोजीशन है उनकी, तो वो उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बात करें वायरस की, तो मतलब ज्यादातर जितने भी यहाँ पर मतलब लोग पाए जाते हैं, जितने भी तरह की जो सोसाइटीज हैं, तो उनको अपना अपना एक यहाँ पर कलेक्टिव और कम्युनल एक्सपीरियंस देखने को मिला है। ओके, मतलब वायरस के चलते ज्यादातर इसको यहाँ पर घृणा युक्त नजरिए से ही देखा जाता है कि मतलब बहुत गंदी बीमारी है। और यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो पहली बार वो ऐसी चीजें जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, कि मतलब वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और उनको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये अगर हम गरीब लोगों की बात करें ना जो भारत में रह रहे हैं, तो उनको तो वैसे ही नहीं मिलती, वो तो हर दिन ऐसा ही एक्सपीरियंस जो है ना इंडिया में अपने आप को मतलब तजर्बा उनको मिलता है कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको पर्याप्त सुविधा ही नहीं मिलती, जो बहुत गरीब लोग होते हैं अगर हम उनकी बात करें। तो अगर सही मायने में अगर जो रियलिटीज ना, तो अभी हमें पता चल रही है कि जो भारत है ना, हम यहाँ पर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, मतलब कि तीसरी दुनिया का देश है ये। ओके, जैसे हम बात करें जो अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इनको यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, कि बहुत डेवलप हो चुका है, जो चीजें यहाँ पर बन चुकी हैं, डेवलपमेंट हो चुकी। तो अभी इंडिया का पूरा रीजन नहीं उस तरीके से बन पाया। तो इंडिया का अगर हम पूरा एवरेज निकाल लेना, तो अब इंडिया पीछे है, तब इसको थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर कुछ रीजन इंडिया की बात करें, तो वहां कहीं पर डेवलपमेंट है, कुछ अमीर राज्य है जहां पर है, तो लेकिन पूरा कंपेरिजन करें तो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही बनता है। तो अभी देखो जो दुख है, जो लोगों के जो घाव है, तो अभी मतलब मदद भी नहीं लोगों की हो पा रही है। तो मतलब इस तरीके से पता चल पा रहा है कि मतलब क्या एक्सप्रेशन है लोगों की, कितना गुस्सा जो है लोगों के अंदर हो सकता है अभी जो सिचुएशन बन चुकी है उसके रिगार्डिंग। और आगे यहाँ पर दो मेजर प्रोटेस्ट की बात करें, एक तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ था, जिसको कि हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी बोलते हैं, तो दूसरा यहाँ पर फार्म लॉज है, तो 2020 में जो कि अभी देखने को मिला। तो अभी ज्यादातर इसको मीडिया के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर कवर किया गया। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर इसलिए कवर किया क्योंकि ये सेक्टरल इश्यूज थे, सेक्टर मतलब कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से निकल कर आ रहे थे। जैसे यहाँ पर यहाँ अगर हम सीएए की बात करें तो मुस्लिम्स को अफेक्ट कर रहे थे, अगर हम फार्म लॉज की बात करें तो फार्मर्स को अफेक्ट कर रहे थे, जिसके चलते अच्छा खासा मीडिया कवरेज दिया गया। ओके, लेकिन यहाँ पर यह भी बात की जा रही है कि जो पैंडेमिक जैसा जो सिचुएशन जो इशू है, ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से इनको काम करना चाहिए था, उस तरीके से इन्होंने बात ही नहीं की, उस तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं किया कि मतलब गवर्नमेंट की कहाँ पर खामियां थी, किस कहाँ कहाँ पर मतलब पर्याप्त जो संसाधन थे वो नहीं जुटा पाई गवर्नमेंट। तो अभी इसी मुद्दे के बात करें, जैसे यहाँ पर करप्शन चार्जेस की बात करें, 2014 में स्टार्टिंग में यहाँ पर, तो जैसे वहां उस समय 2014 में ये करप्शन के चार्जेस गवर्नमेंट के ऊपर लगा रहे थे, जो मतलब केंद्र सरकार में जो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
ओके, तो उस जैसा यहाँ पर माहौल ना दोबारा देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर जिस पे माने पर यहाँ पर फेथ होता है ना लोगों का गवर्नमेंट्स के ऊपर, उसी तरीके से यहाँ पर ना उनको उनका आगे रिस्पॉन्स होता है। तो अगर यहाँ पर बड़े पैमाने पर मोह भंग हो जाता है लोगों का सरकार के प्रति, अगर तब यहाँ पर मोह भंग होता है जब सरकार ना मतलब लग रहा हो लोगों की मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रही, तो उनके साथ लिंक जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर जब विश्वास कम होता है तो फिर सरकारें भी जो ना लोग बदल देते, तो ये सिचुएशन रहती है। ओके, तो लेकिन अब जब सच्चाई सामने नहीं आएगी लोगों की, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, पर्याप्त सेटअप सब कुछ हो गया। जब सब कुछ पॉजिटिव दिखाओगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की वो होता है क्रिटिसिज्म करना, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करना। गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट सतर्क रहती है, गवर्नमेंट को मतलब ना एक्टिव रहती है गवर्नमेंट की, हमें क्या काम करना है क्या नहीं काम करना। जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है तो उस समय फिर गवर्नमेंट को भी कोई चिंता फिक्र नहीं होती, क्योंकि इन्होंने तो जानकारी पहुंचानी होती है लोगों तक। जब जानकारी ही बिल्कुल गवर्नमेंट के हिसाब से पहुंचेगी तो फिर बात नहीं बनती। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक आर्टिकल की बात करें जो कि पब्लिश किया गया है द प्रिंट में, तो ये भी एक यहाँ पर न्यूज आउटलेट है, तो जहां पर कुछ लिखा गया है यहाँ पर हिस्टोरियन जिनका नाम है श्रुति कपिला, तो जो कि आर्ग्यू कर रही जो पैंडेमिक है ना, तो यहाँ पर उनके द्वारा पॉलिटिकल फॉलोअर्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब पैंडेमिक अगर आ गया तो कोई जो भी गवर्नमेंट काम कर रही थी ना, अगर इससे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाई तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो इसी यहाँ पर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो ये भी जर्नलिस्ट थे अपने जमाने में, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो था क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो प्लेग को हैंडल नहीं कर पाई। तो प्लेग नाम की बीमारी फैली थी उस जमाने में। तो यहाँ पर उनकी एक अखबार थी बाल गंगाधर तिलक की जिनका नाम था केसरी, तो जिसमें ये आर्टिकल्स लिखते थे, और लिखते थे तो मतलब जो लोग अखबार पढ़ते थे तो उन तक बात पहुंचती थी। तो जिसके चलते ना इन्होंने यहाँ पर एक नया यहाँ पर इन्फेक्शन पॉइंट उसको पकड़ लिया कि मतलब सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो क्रिटिसाइज कर करके लोगों तक वो बात पहुंच गई कि मतलब गवर्नमेंट कहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो इन सब बातों का यहाँ पर अहम योगदान बनता था, जो यहाँ पर उस समय हम फ्रीडम मूवमेंट अपना चला रहे थे उस समय में, तो मतलब उसको भी एक ना एक यहाँ पर पकड़ दे दी। और तो जो फ्रीडम मूवमेंट चला था इतना खास नहीं चल रहा था उन दिनों में, तो जो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया तो इसका भी एक अहम योगदान था। एक यहाँ पर एक और चिंगारी यहाँ पर दे दी गई हमारे फ्रीडम मूवमेंट को इसके तहत। तो यहाँ पर कपिला और भी यहाँ पर आर्ग्यू कर रही है, बात रख रही है कि यहाँ पर देखो एक यहाँ पर बैक्टीरिया के चलते यहाँ पर 10 मिलियन लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई उस जमाने में, पर इतने बड़े पैमाने पर ये भी मतलब नरसंहार हुआ था, मतलब इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई थी। ओके, तो यहाँ पर जिसके चलते बदनामी हुई जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर था। ब्रिटिश एम्पायर देखो सिर्फ इंडिया में यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, प्लेग नाम की बीमारी बड़े पैमाने पर फैली थी जो ब्रिटिश का रीजन था, मतलब जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये वाला जो यूरोपियन रीजन था वहां पर बड़े पैमाने पर फैली थी। तो ये सारा का सारा अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो इनका एम्पायर काफी बड़ा था। ओके, तो मतलब ये अपने एम्पायर में ये कंट्रोल नहीं कर पाए इस बीमारी को फैलने से, तो मतलब उस समय भारत में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, भारत में भी प्लेग फैला। ओके, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 10 मिलियन लोगों की जाने चली गई, जिसके चलते जो बाल गंगाधर तिलक थे मतलब वो भी न्यूज में आ गए, उनको फेम मिल गया है कि मतलब ये बंदा कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, मतलब सही जो नागरिक के हक ना उनके रिगार्डिंग लिख रहा है अपने अखबार में। तो अभी अब कोरोना वायरस की बात करो तो बिल्कुल ये उससे भी ज्यादा एक्सीड कर चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करो तो बहुत ज्यादा यहाँ पर ना सिचुएशन खराब कर चुका है। तो गवर्नमेंट जिस तरीके से कमांड करती थी उससे मतलब सिचुएशन बहुत खराब है। तो यहाँ पर अभी ये भी बात कर रहे हैं कि अभी की जो सरकार है वहां पर अभी कोई तिलक जैसा कोई जर्नलिस्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें ना, तो उनके मुकाबले में जो ये वाली गवर्नमेंट है ये ज्यादा पॉपुलैरिटी एंजॉय करती है भारत में। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि मतलब उनका जो ऑथर बात करेगी जो कपिला के जो कंटेंशन जो वो कह रहे हैं, तो उनके ऊपर बकायदा डिबेट हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ आ रही है चीजों की, कि जो सेकंड वेव है ना मतलब लगातार जो है घातक होती जा रही है, कत्लेआम जो है ना वो मचाया हुआ है इसने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इन सब चीजों से बहुत दूर है, मतलब कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि मतलब क्या सिचुएशन है और क्या किस तरीके से काम करना है। तो क्योंकि सही जानकारी सामने नहीं आ रही, अगर हम यहाँ पर मीडिया के रिगार्डिंग बात करें जिनका यहाँ पर मेन स्रोत होता है कि सही जानकारी उसको प्रदान करें, तो ज्यादातर तो यहाँ पर बात की जा रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करती है कि मतलब कि जो यहाँ पर प्रोबिंग सिटीजन की जो यहाँ पर साइट्स होती है या फिर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उससे थोड़ा दूर रहती है, मतलब जो शान पीन करें, तो ऐसे लोगों को तो उसको मतलब साइड पे रखा जाता है कि मतलब सरकार जो काम कर रही है ना उसको कोई शान पीन मत करे। तो यहाँ पर मतलब अपने जो खबरी रख रहे होते हैं ना, तो उन्हीं की रिगार्डिंग जो है जरा डील रहती है सरकार की, जिसके चलते वो ज्यादातर जो निकल कर आते हैं मेनस्ट्रीम मीडिया से भी वो नहीं होते हैं, लेकिन उनके रिगार्डिंग जो है ना न्यूज को आगे फैलाया जाता है, जिसके चलते सही जानकारी आगे नहीं जाती है और सिचुएशन क्या है उसके बारे में पता नहीं चल पाता, वो तो यहाँ पर बात रख रहे होता। तो यहाँ पर मतलब इस तरीके से ना जो बीमारी फैल रही है, तो जो प्रधानमंत्री के आसपास जो यहाँ पर माहौल बनाया जाता है
तो उसके ये भी एक मेजर इम्पैक्ट की बात की जा रही है। तो जिसके चलते यहाँ पर जो डेथ टोल अभी राइज होता जा रहा है, तो उसके बारे में सही जानकारी भी देना वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो क्वाजी फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं भारत में, तो यहाँ पर काफी सालों से ना ये दोष लगते आ रहे हैं इसके ऊपर कि मतलब ज्यादा ओवर सेंट्रलाइजेशन है। मतलब जो हमारा फेडरल सिस्टम है, सेंटर के नीचे जो स्टेट्स काम करते हैं, तो अभी ज्यादातर सेंटर का ही यहाँ पर जो ना मतलब दबदबा रहता है। तो यहाँ पर अभी दोबारा राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, तो ज्यादातर उन्हीं को ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। अगर सही तरीके से पैंडेमिक जो है ना नहीं कंट्रोल हो, सही तरीके से अगर बाद में जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं तो उसका अगर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मतलब एक और ये भी बात करें कि ओवर सेंट्रलाइजेशन, दूसरी ओर जब मतलब बात आती है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो दोष राज्य को दे दिया जाता है। तो ये भी ये सिचुएशन जो है ना बनती जा रही है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। और यहाँ पर आखिर में बात करें कि जो अभी हाल ही में फ्राइडे को एक मीटिंग हुई थी अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर जो और जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी थे उनके बीच में, तो मतलब वहां पर उस समय चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग चल रही। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली है ना, तो अभी सबसे मतलब बड़े पैमाने पर वहां पर भयंकर तबाही मची हुई है कोरोना वायरस के चलते। तो वर्ल्ड हार्डेस्ट हिट सिटीज को कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने जब मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो वहां पर प्रोटोकॉल तोड़ा कि आप जब मतलब मीटिंग चल रही हो तो उस समय आप लाइव नहीं जा सकते हो। ओके, लाइव जाकर जो है जनता को आप नहीं दिखा सकते हो। तो उस समय काफी ब्रीफ एक्सचेंज देखने को मिला, छोटा मोटा यहाँ पर जो बातचीत हुई नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बीच में। तो ये एक तरीके का रंगमंच बन गया, पॉलिटिकल रंगमंच, मतलब लोगों के सामने की मतलब यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। और मतलब केजरीवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ऑथर कि उनको पता है कि ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत है। मतलब कि मतलब अगर जो पेशेंट्स है ना उनको उतने उन्हीं की हाल पर अकेला छोड़ने की बजाय ऑक्सीजन मिल जाए तो उसकी यहाँ पर ज्यादा जरूरत, तो उसके ऊपर ही उनका फोकस था। तो मतलब चाह रहे थे कि ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर आए। तो उसके बाद में देखो एफर्ट्स हुए। ओके, जो इंडियन एयरफोर्स, उसके बारे में मैंने लेक्चर डाला था अलग से कि किस तरीके से अपनी पूरी जान वो लगा रहे हैं, खाली टैंकर्स को जो है ना वो भर के जो है ना जहां तक जहां से बनती है ऑक्सीजन वहां पर जा रहे हैं, उनको वहां पर भर के वापस दोबारा दिल्ली जैसे शहरों में लेकर आ रहे हैं या फिर जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर लेकर आ रहे हैं। तो मतलब जो जो रिसोर्सेस है उनको लगाया जा रहा है हाल में अभी ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ना अभी और ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। तो इन एफर्ट्स से बचने के सबसे सरल उपाय यही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा दी जाए। तो हमें उसके ऊपर अभी फोकस करना होगा। जो सबसे पहले आर्टिकल पढ़ा था ना वो मतलब काफी अहम जानकारी हमें दे रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें रिटेल इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो उनके बारे में। ओके, तो अभी देखो रिटेल इन्वेस्टिंग क्या होती है, जैसे कोई भी खुदरा बाजार हो गया, जैसे कोई कंपनी जो जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो वहां पर ज्यादातर जो भी आपको सामान वहां पर मिलता है वो सारा रिटेल मार्केट है। वो चाहे आप वहां पर कपड़ा खरीद रहे हो, चाहे आप कोई कंप्यूटर खरीद रहे हो, चाहे फिर कोई भी चीज खरीद रहे हो, तो वहां पर आपको एमआरपी देना होता है। वहां पर लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इतने प्राइस तक आपको वो चीज मिलेगी, रिटेल मार्केट है वो सारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बात करें कि अभी अगर हम जितने भी बड़े बड़े इम्पैक्ट पड़े हैं ना COVID-19 के चलते, तो जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पैक्ट पड़ा है ना, तो वो पड़ा है यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स ना उनके ऊपर, तो काफी गंभीर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो इन्वेस्टर है, अगर यहाँ पर इस मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही करेंगे, यहाँ पर जो फंड बनता है बकायदा, तो किस तरीके से पैसा मिलेगा रिटेल मार्केट को, किस तरीके से अपना प्रोडक्ट जो है ना बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। ओके, तो मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पर पीछे सिनेरियो होता है, कोई भी चीज अगर आपके सामने पहुंचती है तो कहीं ना कहीं से किसी कंपनी ने पैसा जुटाया होता है, फिर पैसा लेकर उसने प्लांट लगाया होता है, फिर उस प्लांट में पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की होती है, तब जाकर ना मॉल या किसी दुकान में वो चीज आपको मिलती है किसी प्राइस के ऊपर, रिटेल प्राइस के ऊपर। तो जितना फिर मुनाफा वहां से निकलता है फिर उसी में से रिटर्न देना पड़ता है उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर बात करें म्यूचुअल फंड्स की। ओके, तो ज्यादातर जितना भी रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही जाता है कंपनीज के पास। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि एक ऐसा सेक्टर है म्यूचुअल फंड, मतलब कि जो इतना लाइफ ब्लड के तौर पर काम करता है जो बड़े बैंक से उनके लिए। तो जो भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पूल होता है, मतलब लंबे समय के लिए यहाँ पर इसमें पैसा रहता है। और मतलब हो सकता है कि 10 साल तक लोगों ने रखा है वैसा, जहाँ 10 साल से अधिक भी जितना भी यहाँ पर मतलब टर्म एंड कंडीशन हो, मतलब होता है ये लॉन्ग टर्म। ओके, तो 30 साल तक भी कहीं उन्होंने रखा होता है। ओके, तो मतलब उस हिसाब से उनको रिटर्न मिलता रहता है महीने के हिसाब से। मतलब जो बड़े बैंक होते हैं ना भारत में, तो उनके लिए सबसे बड़ा स्रोत होता है पैसा इकट्ठा करने का। देखो जो बैंकिंग भी प्रणाली चलती है ना, तो जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो तो बाद में बैंक क्या करता है कि वही पैसा इकट्ठा करके जो लोन के ऊपर भी देता है पैसा। ओके, तो जो लोन के ऊपर पैसा देता है, तो मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि मतलब जितना पैसा डिपॉजिट के रूप में है और उस उतना ही पैसा लोन के रूप में चला गया। फिर अगर आप सपोज करो आप जा रहे हो बैंक के पास कि मुझे मेरा पैसा दीजिए,
मैंने इतना पैसा निकलवाना है, मेरा सेविंग अकाउंट है, तो बैंक कहाँ से पैसा देगा? तो बैंक को भी ना यहाँ पर कैपिटल अमाउंट को यहाँ पर रखना होता है। तो ये पैसा कहाँ से उठाता है? म्यूचुअल फंड से। ओके, तो म्यूचुअल फंड से ही बड़े पैमाने पर पैसा उठाया जाता है बड़े बैंकों के द्वारा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रहता है, तो यहाँ पर पैसा खत्म होने के चांसेस बहुत कम होते हैं म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पर भी जो बैंक है ना ब्याज देता है, कुछ यहाँ पर रिटर्न देनी होती है यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, फिर इसको पैसा मिलता है, तो जिससे इनका सर्कुलेशन चलता है बैंकिंग प्रणाली का। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें म्यूचुअल फंड और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो जिसने यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो यहाँ पर उसी के पास ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है, कि मतलब म्यूचुअल फंड के साथ साथ ही एक छोटी छोटी अमाउंट जो ना आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते रहो, जिसके तहत जो ना आपको जो रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये मतलब महीने के हिसाब से भी हो सकता है कि एक महीने में एक जो छोटी अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दी, या ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है। ओके, तो ये मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट करने की बात की जाती है इस तरीके से, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। तो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन निकल कर आ रही है ना, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम पैमाने पर हुई है अभी। ओके, अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, ओके, तो मतलब काफी कम हुई है। तो अभी बात की जा रही है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ओके, तो ये मतलब ये दायरा है जो म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर जो है रेगुलेशन करता है। तो अभी उन्होंने रिपोर्ट किया है जो नेट इनफ्लो हुआ, जितना पैसा आया है वो है 9,115 करोड़ के आसपास इन म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो उनके यहाँ पर तहत इतना पैसा आया है, ये मार्च 2021 तक की रिपोर्ट है। ओके, 31 मार्च 2021 तक, ये पिछला जो फिस्कल ईयर बीता उसके बारे में ये रिपोर्ट दी गई है। तो यहाँ पर मतलब धीरे धीरे मतलब ना ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत कम यहाँ पर सपोर्ट इस यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में निकल कर जो है नजर आ रही है। तो यहाँ पर अभी ये समय नहीं है कि हम यहाँ पर जो ना डिस्कशन शुरू कर दें, कि मतलब कैसे जो है इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको दोबारा रीगेन करें, किस तरीके से यहाँ पर जो ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर, कि दोबारा से वो मतलब आए वापस। सिचुएशन क्या हो रही है? सिचुएशन ये हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर जो ना वो अभी फोकस कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर, मतलब कि अपना पैसा लगाया और जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। ओके, तो मतलब अभी उनका फेथ जो है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में थोड़ा कम होता जा रहा है, जिसके चलते ये सिचुएशन देखने को मिल रही है मार्केट में। तो अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टिंग की, तो भारत में तो उसका मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ओके, तो मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करता है रिटेल इन्वेस्टिंग, जो यहाँ पर जो सिनेरियो निकल कर आया पिछले सालों में। तो यहाँ पर जो पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक के चलते बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ एम्प्लॉयमेंट का। ओके, तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी ना, तो वो भी कम हुई है, मतलब जो लोगों के पास पैसा भी था, जिनके पास सेविंग्स पहले पड़ी हुई थी, तो सेविंग्स में से तो यहाँ पर लोग पैसा निकाल कर इन्वेस्ट करते हैं। जब सेविंग्स ही कम हो जाए, आगे कोई रोजगार ही ना हो, तो फिर लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो अवेलेबल लिक्विडिटी थी लोगों की घरों के पास, तो उसमें भी कमी देखने को मिली। ओके, तो ये भी यहाँ पर कुछ रीजन हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी जो ना मतलब इम्पेशेंट मतलब होता जा रहा है, मतलब थोड़ी यहाँ पर ना सतर्कता दिखा रहा है, पीछे हट रहा है इन्वेस्टमेंट करने के मामले में। तो यहाँ पर बात करें, चाहे बात दलाल स्ट्रीट की करो, चाहे पर वॉल स्ट्रीट की करो, तो दलाल स्ट्रीट यहाँ पर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसको बोलते हैं, तो वॉल स्ट्रीट यहाँ पर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका में उसको बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यही है वॉल स्ट्रीट। ओके, तो यहाँ पर चाहे मुंबई की बात कर लो, चाहे न्यूयॉर्क की बात कर लो, तो यहाँ पर दो बड़े पैमाने पर ना यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आते हैं, एक्सेप्टेड फैक्ट्स, मतलब जो अच्छे से समझे जा सकते हैं, कि मतलब जो एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनके बारे में, मतलब किस तरीके से जो फंड्स उनको मैनेज सही तरीके से किया जा सकता है। तो पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर ना मेरिट नहीं होती टाइमिंग एंट्री की। अगर हम म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग बात करें, कभी भी आप आओ जो है ना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपको जो है ना बकायदा रिटर्न जो है आपका निर्धारित हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर आप काफी लंबे समय तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको फायदा मिलता है जब मार्केट रिकवर करती है धीरे धीरे, फिर उस समय उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। और यहाँ पर आगे बात करें यूएस म्यूचुअल फंड मार्केट की, जिसको कि 4 साल का समय लगा रिकवर करने में। तो 2008 में बहुत बड़े पैमाने पर मंदी आई थी अमेरिका में, 40 से ज्यादा जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए, जो अपना पैसा ही नहीं इकट्ठा कर पाए जो उन्होंने लोन के ऊपर दे दिया था। भारत के ऊपर इस मंदी का इम्पैक्ट बहुत कम था, क्योंकि भारत ने कोई बॉन्ड वगैरह खरीदे नहीं थे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं किया था। ओके, तो अभी इसके चलते पूरे यूरोपियन मार्केट जो था ना वो प्रभावित हो गई थी। ओके, जो यूएस में जो ये रिसेशन आया था, तो वही बात कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड मार्केट थी वो भी खराब हो गई। ओके, तो लेकिन 2008 से फिर धीरे धीरे 4 साल का समय लगा कि दोबारा से वो ग्रोथ पर आए म्यूचुअल फंड मार्केट। ओके, तो डिप्रेशन से बाहर निकले वो, तो यहाँ पर धीरे धीरे वो चले, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर ना अपवर्ड ट्रेजेक्टरी अपनाई। तो यहाँ पर 2012 की यहाँ पर शुरुआत में बात करें कि फिर यहाँ पर ट्रेंड जो था बदलना शुरू हो गया, सही होना शुरू हो गया। तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही है, जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टिंग पूरी दुनिया में जो यहाँ पर अगर ना जो फेस कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि हैज द इंडिविजुअल इन्वेस्टर ग्रोन टू इम्पेशेंट टू राइड मार्केट साइकिल्स टू देयर इवेंचुअल रिकवरी। तो
तो मतलब क्या ज्यादा इम्पेशेंट हो चुका है जो यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, मतलब अपना पैसा मैं अभी ना लगाऊं, क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक ही सिनेरियो है। एक ही सिनेरियो क्यों? क्योंकि COVID-19 की बीमारी एक जैसे ही फैली है सब जगह, और यहाँ पर इकोनॉमी की कंडीशंस भी उसी के हिसाब से निर्धारित होंगी, और जिस हिसाब से इकोनॉमी चलेगी तो उसी हिसाब से यहाँ पर पैसे के हिसाब से रिटर्न आएगा ना लोगों के पास, तो लोग उसी हिसाब से अपना इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये तो है ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो जो लोग जिनके पास अगर पैसा है तो वो तो यही चाह रहे हैं ना कि उसको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए कि जल्दी से जल्दी रिटर्न भी उनको उनके हाथ में मिल जाए, ताकि जो कि पता नहीं है इकोनॉमी का, कि पता नहीं कि जॉब का, कि जॉब आएगी या नहीं, और मतलब अगर है रहेगी या नहीं, तो ये सिचुएशन है मार्केट की। और आगे यही बात करेंगे जो ये मतलब बड़े पैमाने पर जो इम्पेशंस बढ़ा है, और यहाँ पर जो रीजन इसका बताया जा रहा है वो यही है कि मतलब जो लगातार लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन जैसे यहाँ पर प्रावधान देखने को मिल रहे हैं ना इंडिया में, तो उसके चलते यहाँ पर ना जन्म मिल गया कि मतलब कि लोगों को अभी ये पहले सोच रहे हैं लोग कि मतलब जो पैसा उनके हाथों में है ना उसका सही इस्तेमाल किस तरीके से कर सके। ओके, तो मतलब ये पहले सोच के फिर वो जो है ना अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब पूरी सिक्योरिटी दे देख के ना अपनी फिर ही आगे बढ़ रहे हैं, फिर ही आगे जो कदम उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर ये रीजन बताया गया, दूसरा यहाँ पर ये बात बोली गई कि बहुत दिन अभी चले गए कि जब रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, मतलब कि वो मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम बात करें जैसे पुराने समय में ऐसा होता था जो ज्यादातर लोग जो होते ना तो मतलब इन झंझट में पड़ते ही नहीं थे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है या रिटेल इन्वेस्टमेंट में और क्या चीजें होती हैं। वो सीधा सीधा एक ही हिसाब रखते थे कि अपने आस पड़ोस में जो भी यहाँ पर जो सबसे भरोसेमंद बैंक है ना तो वहां पर जाकर पैसा रख दो। तो उस समय ऐसा लोग सोचते थे, मतलब उस समय में मतलब स्टडी वगैरह कुछ नहीं करते थे लोग, सीधे सीधे एक ही भरोसा होता था कि बैंक में पैसा रख दो, FD करवा दो, तो कुछ ना कुछ हमें जो ना रिटर्न मिलता रहेगा। तो यही सिंपल सोच होती थी। लेकिन आज के दिन में जो इन्वेस्टर्स है ना पूरी मार्केट की स्टडी करता है, वो देखता है कि मेरे पास जो पैसा है ओके, तो वो मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ कि मुझे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहे और सबसे बढ़िया जो है रिटर्न मिल जाए। तो उसके अपने जो ना स्ट्रांग ओपिनियंस है यहाँ पर कि मैं अपना पैसा जो है उसको मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम बात करें ना इन्वेस्टर्स के मामले में, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर राइज देखने को मिला है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के मामले में। ओके, तो यहाँ पर दो तरह के इन्वेस्टर्स है, एक है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इंस्टीट्यूशन में कोई भी कॉर्पोरेट आ जाएगा, कोई भी बैंक आ जाएगा, ओके, जो कोई भी यहाँ पर वेंचर कैपिटल कंपनी आ जाएगी जो कि यहाँ पर किसी स्टार्टअप में पैसा लगा रही है। ओके, तो इंडिविजुअल में आम लोग आ जाएंगे जो मतलब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं ना तो उसमें यही पाया गया है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है ना तो अभी उनके मामले में काफी बड़ा सर्च देखने को मिला है। तो मतलब कि खुद से वो फैसले ले रहे हैं, कि खुद से देख रहे हैं कि हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें कहाँ पर ना करें। तो यहाँ पर रिकॉर्ड 10.4 मिलियन नए इन्वेस्टर्स जो ना नए इन्वेस्टर अकाउंट यहाँ पर ओपन किए गए हैं इंडिया में, तो 2020 की ये बात कर रहे हैं, तो मतलब ये नंबर 2021 में भी बढ़ने वाला है। ओके, मतलब कि नए इन्वेस्टर अकाउंट खोलने का मतलब जो इंडिविजुअल अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी कंपनी में या फिर रिटेल इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में। तो यहाँ पर एविडेंटली यहाँ सबूत के साथ यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टिंग का जो फेस है ना तो मतलब लगातार ये बड़ी जल्दी से बदलता जा रहा है। ओके, तो पैंडेमिक के चलते भी यहाँ पर ना मतलब नए इंटरेस्ट का राइज देखने को मिला है, नए प्रायोरिटीज का राइज देखने को मिला है जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनके मायने में, खुद से अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, खुद से अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं कि कहाँ पर ज्यादा फायदा होगा वहां पर पैसा इन्वेस्ट करें। और दूसरी ओर जो बैंकों की हालत की बात करें तो वो मतलब ऐसी डिमांड को वो मतलब पूरा नहीं कर पाते। ओके, तो मतलब वो चाह रहे हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके चलते मतलब एक सेल्फ डायरेक्टेड ट्रेडिंग एक बनाई जाए जिसके चलते बैंकों को भी ना मतलब कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह ना आए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेते हुए, पैसा लेते हुए इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ओके, लेकिन ऐसी सेल्फ डायरेक्टेड ट्रेडिंग मतलब नहीं बना पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर जो है ना अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब बैंक में जैसे आप अपना डिपॉजिट रखते हो, फिक्स डिपॉजिट रखते हो, तो यहाँ पर रुझान कम हो रहा है लोगों का। ओके, तो यहाँ से रुझान निकल कर ज्यादातर अपने अपने दम पर इन्वेस्टर्स ना अपने हिसाब से देख रहे हैं कि कोई कौन सी नया स्टार्टअप शुरू हुआ है, कौन सी नई कंपनी शुरू हुई, वहां पर पैसा लगाए तो वहां पर अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो बैंक फेल हो रहे हैं मतलब ऐसा ऐसी कोई ट्रेडिंग देते हुए इन्वेस्टर्स को। ओके, तो यहाँ पर की अगर बात करें ना तो ऐसी ट्रेडिंग प्रदान की जा रही है, अगर हम वेस्टर्न जो है कंट्रीज उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर अच्छा खासा बैंक ने ऐसा सेल्फ डायरेक्टेड ट्रेडिंग शुरू की हुई है। ओके, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ। तो आखिर में बात करें कि जो इंडियन बैंक्स की बात करें तो मतलब उनको अपने क्लाइंट के साथ यहाँ पर काम करना होता है, तो म्यूचुअल फंड ना सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर बड़ी पिक्चर पेश करते हैं बैंकों की, मतलब जहां से बैंक जो है ना जरूरत पड़ने पर पैसा उठाते हैं, अपना कैपिटल ना उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखते हैं कि पैसा खत्म ना हो जाए बैंकों में। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से हमें स्टडी करने की जरूरत है। तो मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर का जो अभी डायनामिज्म मतलब कि किस तरीके से वो यहाँ पर सोच रहा है, अगर नहीं यहाँ पर स्टडी करेंगे तो आने वाले समय में हम समझ नहीं पाएंगे कि रिटेल इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, तो आने वाले समय में कैसे पैसा बढ़ेगा फिर म्यूचुअल फंड में।
तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बात कह रहे हैं कि अभी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है या फिर जो AUM है ओके, तो उसके चलते हमें यहाँ पर ये पाया गया कि थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिली है पैसे के मामले में, लेकिन कितना समय तक चलेगा ये ओके। तो मार्केट तो फेल हो रही है ना लगातार, तो अभी गिरता जा रहा है जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में लोगों की। आने वाले समय में हो सकता है कि और इन्वेस्टर जो है ना पैसा निकाल लें, इन्वेस्टर अपने जो जहां पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ, तो यहाँ पर कितने समय तक यहाँ पर जो इंडिया की रिटेल इन्वेस्टिंग है ना, किस तरीके से आप जो ना कंपोज करके रख पा रहे हो आप म्यूचुअल फंड्स के तहत या फिर सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टिंग के तहत, मतलब इन दोनों मेजर्स के ऊपर आपको अभी फोकस करना होगा अच्छे से, जो है ना अच्छे से एनालिसिस करना होगा। तो जो राइटर है इस आर्टिकल के वो रिटेल बैंकिंग एडवाइजर है एट द बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल ओके वैनकूवर कैनेडा में, तो उनके ये पर्सनल व्यूज है जो भी इस आर्टिकल में उनके द्वारा दिए गए हैं। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। कौन सी होती हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? तो यहाँ पर बात की जा रही है एक NBFC की, कोई भी NBFC जिसको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज ये कंपनी करती है, पैसा देती है आपको ब्याज के ऊपर। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मुथूट फाइनेंस है वो NBFC है, कोई टोयोटा का फाइनेंस है तो वो अपना NBFC है ओके। जो अब आप कार लोन लेते, तो अगर आप टोयोटा से ले रहे तो उनका खुद का ये NBFC जो आपको लोन देती है कार लेने के लिए ओके। ये जस्ट एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ NBFC की। तो कोई भी NBFC जो को अपना बिजनेस चला रही है ओके, और बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज विच सेटिस्फाइड द कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं जिनको कि सेटिस्फाई करना होगा अगर वो शेयर्स और सिक्योरिटीज के मामले में यहाँ पर पैसा लगा रही है। तो जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये जो ऐसी NBFC मतलब जो जो जितना भी इसके पास टोटल एसेट्स है ना, तो वो कम से कम उसको शेयर्स और सिक्योरिटीज के मामले में ही हो, तो यहाँ पर 90% से कम वो एसेट्स इस तरीके से नहीं होना चाहिए ओके। मतलब 90% तक यहाँ पर एसेट जितने भी हो शेयर्स और सिक्योरिटीज के मामले में ही इनके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं ओके, तो यहाँ पर वो कर सकते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन द इक्विटी शेयर्स इन ग्रुप कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 60% ऑफ द टोटल एसेट्स। जितना भी टोटल एसेट्स है अगर किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर्स के हिसाब से स्टॉक्स के हिसाब से, मतलब 60% से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है कि ये ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब व्यापार नहीं कर सकते जो इनके पास इन्वेस्टमेंट आई हुई है शेयर्स के रूप में, डेट्स के रूप में, लोन के रूप में ओके ओके, जो भी इनकी यहाँ पर ग्रुप कंपनीज है। तो यहाँ पर उनको आगे फर्दर उसके हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते। कहने का मतलब अगर आपने किसी से पैसा ले लिया ओके, तो आपका मतलब है पैसा लेने का कि आप अपनी कंपनी चला रहे हो ओके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसी पैसे को दोबारा से आप ना किसी को लोन बांट दो ओके, दोबारा से किसी को मतलब किसी कहीं और इन्वेस्ट कर दो कि आपने वहां से रिटर्न कमाना है, इस तरीके से नहीं करना है ओके। तो बैंक ज्यादातर ऐसे ही करते हैं ओके, तो यहाँ पर NBFC को ऐसा नहीं करना है। एक्सेप्शन थोड़ी बहुत है, तो ये है कि वो ब्लॉक सेल कर सकते हैं अगर यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करनी है उन्हीं शेयर्स की, मतलब वो शेयर जब खरीदे हैं बेचना है भी, डिसइन्वेस्टमेंट करने की मुझे पैसे चाहिए, जितना भी स्टेक किसी और ने खरीदना वो खरीद लो ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आखिरी कंडीशन यहाँ पर बोली जा रही है कि मतलब किसी तरीके की यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं करनी है, तो कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं ओके, वहां पर जो यहाँ पे जो भी शेयर्स के रूप में पैसा इनके पास है बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं ओके। यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के तहत यहाँ पर पैसा रख सकते हैं, तो जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, तो ये सभी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ही यहाँ पर अदारे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जो गवर्नमेंट जो अपना डेट इशू करती है जिसके तहत जो जो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ओके, तो यहाँ पर भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकती है, मतलब यहाँ पर भी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकती है ओके, पैसा लगा सकती है इधर। तो गवर्नमेंट जितने भी पैसा मार्केट से उठाती है ना, तो इसी यहाँ पर गवर्नमेंट डेट के तहत या इस डेट पेपर के तहत ही उठाती है। जैसे कॉर्पोरेट जो होता है ना वो भी यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं तो लोगों से पैसा उठाते हैं, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा उठाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा जो भी लोन हो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो इस ग्रुप कंपनीज मतलब ये काम यहाँ पर कर सकते हैं ओके। इसके अलावा और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी तो वो उसके ऊपर यहाँ पर पाबंदी होती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के ऊपर के। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।